जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं अनिरुद्ध पटेल जेनटेक्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, इस समय प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, अभ्यास का दरमियान है। जो क्वेश्चन मैं इस समय लेके आ रहा हूँ, आज डे थर्ड है एक्सरसाइज का, और इसमें से हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन डिपेंडेड हैं एयरफोर्स एक्स वाई, नेवी डबल ए और SSR दोनों के लिए। टीचर के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट, सुपर टेट और KVS, ये पांच परीक्षाओं के लिए। अगर मैं इनको अलग अलग कर दूं तो आठ परीक्षाओं के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन अभ्यास का सिलसिला मैं इसलिए भी जारी कर रहा हूं ताकि मुझे यह लग रहा है कि आप लोगों को छोटे से मतलब फर्श से अर्श की तरफ ले चला जाए, शून्य से शिखर की तरफ ले चला जाए। मेरी बात याद रखना, अगर अच्छा स्पीकर बनना है तो अच्छा लिसनर बनना जरूरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूं और वो क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे नहीं होता, तो पता चल जाता है कि वीडियो पूरी तरह से नहीं देखा गया। तो मेरे बच्चे को वीडियो पूरा देखें, जब पूरा वीडियो देखेंगे, और कई बार आपको लगता है कि यार मुझे ये आता है मुझे ये आता है, तो उसकी स्पीड आप बढ़ा दीजिए। स्पीड नॉर्मल में सेट होती है यूट्यूब में, तो आप उसको जाकर स्पीड को बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा के सुनिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ शब्द ऐसे मिल जाते हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं होती। कई बार आपका दिल कहता है कि आपको ये आता है, लेकिन हाथ आपका साथ नहीं देते और आप फेल हो जाते हैं। तो चलते हैं आज के सेशन नंबर थर्ड, जो कि आधारित है एयरफोर्स और नेवी पर, KVS, UPTET और SuperTET पर। मेरे बच्चे, पिछली क्लास में यानी लेक्चर 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों को घर से करके लाने को दिया था कि मुझे टेक्स्ट करना। तो जिन लोगों ने टेक्स्ट किया है वो समझ लें, सिंगुलर वर्ब यूज करी जाएगी। किस तरह की वर्ब होगी? सिंगुलर। अगर वहां इज एम आर था तो इज को चुना जाएगा, अगर वाज वर था तो वाज को चुना जाएगा, हैज हैव था तो हैज को चुना जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वहां सब्जेक्ट से पहले मैनी आ का यूज किया गया था। चलता हूं अगले और पहले क्वेश्चन की तरफ। पॉलिटिक्स स्पेस बिकम अ डर्टी गेम इन बिहार। मेरे बच्चे, यहां पर पॉलिटिक्स एक विषय है या पॉलिटिक्स किसी एक्टिविटी को लेकर के है? विषय कहीं भी गंदी नहीं होती, जहां जहां पढ़े, अगर आपका दिलचस्पी आपकी आपका इंटरेस्ट उसकी तरफ है तो वो विषय आपके लिए नेक्टर है, अमृत है। परंतु यहां पर ये पॉलिटिक्स विषय ना होकर के एक्टिविटी को रिजेंबल कर रहा है, एक्टिविटी को रेफर्स कर रहा है, इसलिए यहां पे वर्ब प्लूरल लिखी जाएगी, ना कि सिंगुलर वर्ब। अगर पॉलिटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इथिक्स और साइड में कुछ वर्ड जैसे सम्मंस, न्यूज, इस तरह के वर्ड जिनमें एस लगा है, बावजूद इसके ये सिंगुलर कंसीडर होते हैं, सिंगुलरिटी को रेफर करते हैं, अतः इनके साथ वर्ब सिंगुलर आ जाती है। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है इस सेंटेंस में कि पॉलिटिक्स को विषय नहीं बल्कि पॉलिटिक्स को एक्टिविटीज के तौर पे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 10 miles स्पेस अ लॉन्ग डिस्टेंस, नंबर एक वीडियो, तीसरा वीडियो है। एक नंबर के वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि जब आप टीवी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, तो HD क्वालिटी का कैमरा, HD क्वालिटी की डिस्प्ले देखते हो, HD, उसमें ए जोड़ दीजिए, HDA, एच मतलब हाइट, डी मतलब डिस्टेंस, ए मतलब अमाउंट, इनमें से कोई भी एक निश्चित दूरी या निश्चितता का बोध कराए तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। 10 miles मतलब क्या? ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी, और ऐसे में वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी, यानी इज का यूज यहां किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अ सेट ऑफ बुक्स। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन इत्मीनान से तमन्ना के साथ देखा है, पड़ोस वाली तमन्ना नहीं, मन से देखा है, तो यहां पे आपको पता है कि सेट ऑफ का यूज किया गया है, जो यूनिट वर्ड है, इकाई शब्द है। अगर किसी प्लूरल नाउन के साथ में कोई इकाई वर्ड यूज किया जाए, यूनिट वर्ड यूज किया जाए, तो उसे सिंगुलर माना जाता है, यानी सिंगुलर वर्ब यूज होगी हैज। कई लोग सोचते हैं, सर जी
हैड को क्यों नहीं यूज करते हो? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हैड कभी पार्टिसिपेट नहीं करता। टाइम एंड टेंस का लॉजिक होता तो जरूर हम देखते। टाइम एंड टेंस में हैड का यूज तब किया जाता है मेरे बच्चे जब पास्ट में दो घटनाएं हुई हो एक साथ में, तो जो घटना पहले घटित हुई हो उसको हमेशा हैड के साथ यानी पास्ट के परफेक्ट में ही सॉल्व किया जाता है। ले चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के कॉन्सेप्ट टाइम एंड टेंस में आपको पढ़ाऊंगा। नन ऑफ दिस मनी, मैंने कहा था कि नन लिखा है, हो सकता है यहां पे वन लिखा होता, हो सकता है यहां पे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, या हो सकता था यहां पे ए नंबर, द नंबर ऑफ, या हो सकता था यहां पे द परसेंटेज ऑफ, हो सकता था मैनी ए लिखा होता, हो सकता था सब्जेक्ट के पहले मोर देन वन लिखा होता। इन सभी हालातों में वर्ब सिंगुलर आती है। मोर देन वन, मैनी ए के साथ में ना केवल वर्ब बल्कि सब्जेक्ट भी सिंगुलर लिखा जाता है। और कल का 18वां क्वेश्चन इसी तर्ज पर आधारित था जो मैंने क्विज में दिया था। अगला क्वेश्चन आता है, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, खाली जगह ट्विंकलिंग इन द स्काई, यहां पर भी स्टार्स आपका प्लूरल नाउन है, परंतु इसके पहले गैलेक्सी या कॉन्स्टलेशन लिखा है जो एक यूनिट वर्ड है। कई सारे सितारों को एक साथ अगर देखा जाए तो उसे गैलेक्सी कहा जाता है, यानी ये यूनिट वर्ड है। और यूनिट वर्ड का रूल अभी अभी मैंने बताया था इस सेट ऑफ बुक्स में, तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल के आ जाएंगे। इज ए लॉट ऑफ मिल्क, हो सकता था या लॉट्स ऑफ मिल्क लिखा होता, हो सकता था प्लेंटी ऑफ मिल्क लिखा होता, वैरायटी ऑफ लिखा होता, हो सकता है 10%, 30%, 1/3, 2/4, इस तरीके का कोई भी कॉन्सेप्ट यहां इस्तेमाल किया गया होता। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट पर डिसाइड करेगी। सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारा मिल्क। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन को इंग्लिश ग्रामर के अंदर सिंगुलर माना जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है अ रेड एंड व्हाइट डॉग। ये क्वेश्चन मैंने, इस क्वेश्चन में आपको राशन कार्ड या मीट कूपन का लॉजिक दिया था, चलो फिर दिखाता हूं। यहां पर रेड और व्हाइट कौन है? आपका डॉग है। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में एक तो लॉजिकली मिस्टेक है, कुत्ते कभी लाल रंग के नहीं होते, यहां पर वो ब्राउन हो सकते हैं, वो ग्रे हो सकते हैं, तो मैं इस चीज को पहले तो लॉजिकली सही कर देता हूं इस क्वेश्चन नंबर 7 को। अब यहां पे मुझे ये बताइए ग्रे कौन है और ये व्हाइट कौन है। जाहिर सी बात है ये ग्रे हो या व्हाइट हो ये विशेषता है कुत्ते की, ये कुत्ते का रंग बता रहा है, समझ रहे हो? इसका मतलब है कि ये एडजेक्टिव हुए और एडजेक्टिव किसके लिए प्रयोग हुआ? डॉग के लिए। मेरे बच्चों अगर एंड से दो डिफरेंट एडजेक्टिव कनेक्ट हैं और मीट कूपन या राशन कार्ड मतलब आर्टिकल एक के साथ में है तो इसका मतलब है ये दोनों एडजेक्टिव इस कुत्ते से बिलोंग करते हैं, और ऐसे में जो आपकी वर्ब है वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर यूज कर दी जाएगी, मतलब वाज यूज किया जाएगा। यहां दो कुत्ते नहीं है, एक ही कुत्ते में स्पॉट है दो रंगों के। अगला, रमेशस मैथमेटिक्स नॉट सो गुड, रमेश की गणित कोई ठीक नहीं है। यहां पर मैथमेटिक्स वर्ड कई बार एग्जाम में करेक्ट स्पेल्ट में पूछा जाता है और वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है? ये ई को लेकर के, ये ई का वाले कॉन्सेप्ट में लड़का भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता कि यहां ई लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। और अगर उसे डिस्लेक्सिया बीमारी है मतलब कि चीजों को भूलने की बीमारी है उसे, या दुविधा की शिकायत है उसको, तो पक्का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है जब मैं क्या करता हूं कि मैं डाउट में आ जाता हूं। एक बार तो गॉड लिखने में जीओडी और जीओएडी के बीच में मुझे डाउट हो गया,
कई बार मेरे साथ ऐसा होता है और इसकी वजह होती है जब बहुत आप डिप्रेशन में रहते हो या बहुत ज्यादा बचपन में टॉर्चर किए जाते हो आप, तब ऐसी शिकायतें आपके अंदर डर की वजह से आपकी ये आपको मानसिक एक बीमारी से ऐसी हो जाती है, काफी कंट्रोल करना पड़ता है योगा वगैरह करके, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ई लगेगा कि नहीं लगेगा। तो रमेशस मैथमेटिक्स, यहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, या यूं कहा जाए कि इस तरह के सब्जेक्ट के नाम, फिजिक्स वगैरह के नाम सिंगुलर होते हैं अगर इन्हें सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाए, परंतु अगर ये विषय थे तो रमेश का अधिकार कैसे हो गया, पजेशन कैसे हो गया, रमेश इस विषय का मालिक कैसे बन गया, क्या रमेश ने इस गणित को पैदा किया था या क्या रमेश ने गणित बनाई थी, नहीं तो कोई पजेशन नहीं होगा ना मेरे भाई। इसका मतलब है कि ऐसे हालातों में थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको, ये विषय नहीं है, बल्कि यहां पर आंकड़े या गुणा गणित की बात हो रही है, मतलब वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी, सॉरी वर्ब प्लूरल यूज की जाएगी, क्योंकि मेरा ध्यान इस क्वेश्चन पे चला गया था। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, या ईच ऑफ लिखा है, एवरी वन ऑफ लिखा होता, एवरी ऑफ जैसा इंग्लिश में कोई वर्ड ही यूज नहीं होता, हो सकता था वन ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, द नंबर ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, ऐसे कोई भी लिखा होता वर्ब सिंगुलर ही लिखी जाती। मैं हर बात को हर लेक्चर में रिपीट करता हूं, समझिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, समझ आएगा। द प्रिंसिपल एंड टीचर, दो कॉमन नाउन एंड से कनेक्ट है, प्रिंसिपल और टीचर, लेकिन मीट कूपन एक के पास है, राशन कार्ड एक के पास है, इसका मतलब ये दो अलग अलग परिवार नहीं, एक ही परिवार है। अगर ये दो अलग अलग परिवार होते तो एक राशन कार्ड इसके साथ भी होता। इसका मतलब है द प्रिंसिपल एंड द टीचर ऑफ दिस स्कूल, ये चूंकि कमिंग, अब आ रहे तो स्कूल आ रहा है कि टीचर और प्रिंसिपल आ रहे हैं, जाहिर सी बात है टीचर और प्रिंसिपल आ रहे हैं। हिंदी पढ़ने पर अगर आप हिंदी से निकालोगे तो लगेगा आ रहे हैं, वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, लेकिन नहीं, अंग्रेजी ये कहती है कि ये प्रिंसिपल वही बंदे हैं जो टीचिंग का काम भी देख लेते हैं, एक दो लेक्चर भी देते हैं, तो टीचर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं, मतलब यहां दो अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, और ऐसे में वर्ब सिंगुलर इज का यूज कर दिया जाएगा। द पुअर स्पेस नॉट डिपेंड ऑन द रिच, यहां पे डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट का यूज करना है, क्योंकि डिड नॉट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हमेशा करता है टाइम एंड टेंस के अंदर, तो ये से बाहर हो गया। अब बचा तुम्हारा डू या डज। पुअर अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है, परंतु अगर एडजेक्टिव था तो द क्या कर रहा है, चूंकि एडजेक्टिव के पहले द कभी नहीं आता, द का यूज हमेशा नाउन के पहले होता है, इसका मतलब है द पुअर यहां पे नाउन का काम कर रहा है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, सॉरी कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके पहले अगर द लगा दिया जाए तो उन्हें प्लूरल नाउन की तरह माना जाता है, जैसे द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, द ब्रेव, द बेल्ड, बाल्ड, द ब्लाइंड, द डीफ, ठीक है ना, द ओल्ड। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप में प्लूरल कंसीडर कर देते हैं, और प्लूरल के साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ध्यान रखना, क्योंकि मैं कहीं भी आपसे क्वेश्चन रख दूंगा और अगली क्लास में मैं उस क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा, है ना। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ईच ऑफ द गर्ल्स स्पेस गॉट अ प्राइज। उम्मीद है अभी मैंने कहा था सब्जेक्ट के पहले अगर ईच ऑफ लिखा है तो सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, और सिंगुलर वर्ब क्या है, हैज। अगर यहां पे ऑफ द ना लिखा होता, केवल ईच लिखा होता, तो गर्ल लिखा जाता यहां पे, मतलब इसको भी सिंगुलर बनाते और वर्ब भी सिंगुलर यूज करते, और तब ईच को एडजेक्टिव माना जाता। फिलहाल इस समय के लिए ईच ऑफ एक प्रोनाउन है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ये चीजों को इंडिविजुअल डिवाइड कर देता है और इसी वजह से वर्ब सिंगुलर आती है। फिजिक्स स्पेस नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, अब यहां पे फिजिक्स की बात हो रही है, इसका यह मतलब हुआ कि वर्ब सिंगुलर होगी क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है।
13 नंबर क्वेश्चन स्किप हो गया था, सी टॉक्स एज इफ सी अ क्वीन, ऐसे बात करती है क्वीन हो, अब समझो कि वो क्वीन है नहीं, माना जाता है राजे रजवाड़े वाले जमाने लद गए, है ना, अब वो जमाने नहीं रहे। जब भी कभी सब्जेक्ट के पहले एज इफ लिखा हो, केवल इफ लिखा हो, इफ ओनली लिखा हो, एज इफ लिखा हो, केवल इफ लिखा हो, या इफ ओनली लिखा हो, या एज दो लिखा हो, आई विश आई विस्ड, ही विस्ड ही विशेस, सी विस्ड सी विशेस, यू विश यू विस्ड, दे विश दे विस्ड, इनमें से किसी का यूज अगर किया गया है तो ये कल्पना करने के लिए प्रयोग होते हैं, और ऐसे में वर्ब प्लूरल कैटेगरी की आती है और वो भी पास्ट की प्लूरल, तो यहां पर वर का यूज किया जाएगा ना कि किसी अन्य का। ए नंबर ऑफ गर्ल्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया था कि अगर द नंबर ऑफ लिखा होता तो सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती, लेकिन क्या लिखा है, ए नंबर ऑफ, और ऐसे में यहां पर वर्ब आपकी सिंगुलर नहीं प्लूरल आ जाएगी, यानी हैव का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स, द कलर ऑफ दीज फ्लावर्स स्पेस रेड, अब बताओ रेड कौन है, फूलों का रंग, तो जब भी कभी ऐसे हो तो रंग लाल है ना, रंग किसका, फूलों का, फूल तो बताए गए भाई, ऐसे बात क्लियर नहीं हो रही ना कि किसका रंग, तो फूल ये मालिकाना हक बताने के लिए भैया हमारा रंग, तो फूल नहीं रंग लाल है, तो रंग के हिसाब से यहां पर इज का यूज किया जाएगा, क्योंकि रंग अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम इसको प्लूरल की तरह कलर्स यूज करें तब ये झंडे का या किसी देश के फ्लैग का रिजेंबल करता है, उसको प्रदर्शित करता है, रेफर करता है। मोस्ट ऑफ द बुक्स, यहां पर मोस्ट ऑफ द बुक्स लिखा है, मोस्ट ऑफ के साथ जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके हिसाब से चुनी जाएगी, और ये इसलिए डाउट हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ लिखा है, ईच ऑफ लिखा है, ईच ऑफ में तो वर्ब सिंगुलर लगाई गई थी, तो अभी अभी मैं जो कहानी बता रहा था वो कहानी यहां पर कंफ्यूज कर सकती है आपको। मोस्ट ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, यहीं पर परसेंट 20% ऑफ, 30% ऑफ, जो भी है 1%, 100%, जो भी है, इन सब के साथ में आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा वर्ब कैसी यूज करना है। अगर सब्जेक्ट अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर नाउन प्लूरल काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर काउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ये चीज वहां पे आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा मेरे बच्चे। यहां पर ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस आता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस की बात आई तो म्यूजिशियंस प्लूरल है लेकिन उसके पहले एक यूनिट वर्ड आ गया है ए बैंड, और मेरे बच्चे यहां पर बैंड के अकॉर्डिंग वर्ब इस वजह से चूंकि ये यूनिट वर्ड आया है, इकाई शब्द प्रयोग किया गया है, अतः सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगी, और सिंगुलर वर्ब मतलब हैज। द जूरी स्पेस डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, ऐसा माना जाता है कि जो कलेक्टिव नाउन है जैसे जूरी है, कमेटी है, कांग्रेगेशन है, या इस तरह का कोई भी कलेक्टिव नाउन जो किसी यूनिट को दिखाता है, किसी इकाई को दर्शाता है, तो ध्यान से देखना, अगर उनके बीच में यूनियन है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर उनके बीच में डाइवर्जन है, बंटवारा है, विभाजन है, तो वर्ब प्लूरल आएगी। और इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ डिवाइडेड और पजेसिव दियर इस बात का एग्जाम्पल है, इस बात का प्रमाण है कि इनके बीच में आपसी मतभेद है, इनके जो मत ओपिनियन है, दृष्टिकोण है, वो बदले हुए हैं, क्योंकि अगर जूरी यूनिट होती, एक इकाई होती, तो यहां पर डिवाइडेड ना लिखा होता और यहां पर इट्स लिखा होता। इस तरह के हिंट पर ध्यान दीजिएगा। द पोलिस कॉट द थीफ, मैंने कहा था पब्लिक पीपल पोलिस, पोल्ट्री मिलिट्री जेंट्री इन्फेंट्री पीजेंट्री कैवेलरी क्लैरगी वर्मिन कैटल इलेक्टोरेट द मेजोरिटी द माइनॉरिटी, अगर इनमें से किसी का यूज बतौर सब्जेक्ट किया गया है तो है ये कलेक्टिव नाउन, परंतु इनको प्लूरल यूज किया जाता है, इनके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आती है और कभी इनमें एस नहीं लगाया जाता। हां, अगर यहां पे द पोलिस मैन लिखा होता तो वर्ब हैज होती, लेकिन द पोलिस लिखा है तो हैव लिखा जाएगा।
नाइदर यू नॉर सी, हो सकता था यहां पर आइदर यू और सी हो जाता, हो सकता था केवल इन दोनों का, ये दोनों क्वेश्चन गौर से देखिए इस तरीके से, हो सकता था ये केवल इस तरीके से कनेक्ट होते, इस तरीके से केवल, है ना, यू और सी, द फादर और सन्स, इस तरीके से भी इनको हो सकता, यूज हो सकता था, है ना बच्चों। तो ये दोनों सूरत हाल में वर्ब आपकी जहां लग रही है वहां के नजदीकी सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। जैसे यहां पे नजदीक सी है, सी के हिसाब से ई जाएगा, यहां सन्स है तो सन्स के हिसाब से आर का प्रयोग हो जाएगा, चूंकि सन्स प्लूरल है। तो ये ऑल्टरनेटिव कंजक्शंस होते हैं, लेकिन अभी अभी देखा होगा आपने कि केवल आइदर लिखा था, आइदर ऑफ तो वर्ब सिंगुलर थी। इस तरह की चीजें जितना बढ़िया प्रैक्टिस करोगे भाई, प्रैक्टिस ही आपको बनाती है, अभ्यास आपका आप में निखार लाता है। भाई हमने आपको बोला है उसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट का नाम सुना है, 100 मीटर धावक है वो बेटा, लेकिन इस 100 मीटर की रेस के लिए उसने जाने कितने 100 मीटर का सफर तय किया होगा, है कि नहीं। तो यहां पे जैसे अगला क्वेश्चन है, ए हॉर्स एंड कैरिज बीन वेटिंग एट द गेट, जरा सोचो हॉर्स एंड कैरिज, अब यहां पर हॉर्स और कैरिज किससे कनेक्ट है, एंड से। राशन कार्ड एक के पास है, दोनों के पास नहीं है। अब अगर दोनों के पास राशन कार्ड नहीं है तो मतलब परिवार एक हो गया, और घोड़ा गाड़ी एक ही साथ तो आपका वेट कर रहे होंगे, कि घोड़ा अलग वेट कर रहा होगा और गाड़ी अलग वेट कर रही होगी कि आजा राजा बंगले के पीछे, है ना। तो इस तरीके के जो पीछे कॉन्सेप्ट होते हैं ये बहुत लॉजिकली होते हैं, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन भरे होते हैं। इट इज आई हू, आपसे कहा था हू हो, विच हो या दैट हो, हु विच या दैट, इनमें से कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर है तो वर्ब एंटीसीडेंट पे डिपेंड करेगी। आई के अकॉर्डिंग हैव का यूज यहां पे किया जाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरा संदेश, मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, आई एम वन ऑफ दोज पर्संस हु नॉट टीच वेल, डज या डू, कहता है मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ढंग से नहीं पढ़ाते। अब ऐसे क्वेश्चन में हु के पहले क्या लिखा है, दोज पर्संस। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में वन ऑफ को लेकर के आपके सामने कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि अभी तक के 3 लेक्चर में मैंने कम से कम 10 बार इस बात का जिक्र किया है कि वन ऑफ का अगर यूज है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ऐसा मैंने बोला भी है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने समझाए, लेकिन ये नियम रिलेटिव प्रोनाउन में बिल्कुल लागू नहीं करता। आप यहां पर्संस के अकॉर्डिंग वर्ब का चुनाव करोगे, समझ गए आप। हां, अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आता है, देयर अ बॉय एंड अ गर्ल इन द पार्क। मैंने कहा था सेंटेंस की शुरुआत में देयर लिखा हो या हियर लिखा हो, बचपन से आज तक हम लोगों को पढ़ाया गया देयर ऐसा देयर वैसा, एक्चुअल में देयर जो होता है ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होता है कि जब भी सब्जेक्ट के पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा होगा तो सब्जेक्ट बाद में लिखा होगा, वर्ब पहले लिखी गई होगी। मतलब यहां जो वर्ब फिल की जाएगी उसका सब्जेक्ट ये नहीं है, बल्कि ये दाहिनी तरफ जो लिखा है ये सब्जेक्ट है। ए बॉय एंड ए गर्ल इन द पार्क, अब इज या आर बताओ, पार्क है कि लड़कियां और लड़के पार्क में है, सोचो जरा। तो यहां पे चूंकि इन प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के दाहिनी तरफ जो लिखा होता है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से चुनी जाती है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, ए बॉय और ए गर्ल। अगर ये दोनों एक ही साथ एक थे तो ये दोनों के पास राशन कार्ड ना होते। इसका मतलब है कि ये लड़का गैर बिरादरी का है, लड़की गैर बिरादरी की है, मतलब इनमें कोई भी मेल में, तो मैं एक समझाने के तरीके से बोल रहा हूं, मतलब ये दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध हो रहा है, जेंडर भी डिफर है, मतलब यहां दो लोगों का बोध हो रहा है, दो लोगों का बोध है, वर्ब प्लूरल आ जाएगी, प्लूरल वर्ब मतलब आर का यूज आ जाएगा, लॉट्स ऑफ आ गया। मैं बोल रहा हूं अलॉट ऑफ भी लिखा होता तो भी सब्जेक्ट पर डिसाइड होता वर्ब कैसी आएगी, और इसमें हिसाब से वर्ब हैव का प्रयोग किया जाएगा। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे, आपको कुछ करना ही नहीं, केवल आप मोबाइल लेके बैठ जाइए, सुन लीजिए पूरी चीज को, आपके पास चूंकि वीडियो लगभग आधे घंटे का होता है, आपके पास अपने लिए तो टाइम निकालना होगा ना, कम से कम 3 से 4 घंटे अपनी जिंदगी के लिए निकाल लीजिए, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने में गुजार दीजिए,
आठ घंटे सो लीजिए जबकि कोई नहीं सोता, आप सो लीजिए आठ घंटे, अब बचे आपके पास 16 घंटे, क्या करते हो 16 घंटे? और इस लॉकडाउन में, लॉकडाउन में तो और भी कोई काम नहीं है भाई, किसान परिवार से बिलोंग करते हो तो किसानी का काम है, तो क्या 8 घंटे खेतों में काम करते हो? चलो 8 घंटे काम कर लिया, 4 घंटे और रेस्ट कर लो, 12 घंटे, 4 घंटे कहाँ चले गए आपके? तो बी पॉजिटिव, सोचो जरा, आप 500 की नोट अगर आपको दी जाए तो उसको फाड़ दोगे, जबकि 500 की नोट दोबारा कमाई जा सकती है, फाड़ सकते हो, फाड़ दोगे नहीं, फाड़ोगे नहीं, तुम लोग कंजूस आदमी हो, फाड़ सकते हो लेकिन नहीं फाड़ोगे, क्यों? क्योंकि वो आपको डर है, और समय जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो 500 के नोट जाने कितने कमाए जा सकते हैं, लेकिन आप अपना बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकते हो, समय का सदुपयोग करो। अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ऑल द ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, अब कहते हैं ऑल द ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, कौन नहीं होता? हर चमकती हुई चीज, ये एक इडियम है, इज का यूज यहां पे किया जाएगा क्योंकि क्लॉज है हर एक चमकती हुई चीज, ये पूरा क्लॉज का मतलब होता है, पूरा खानदान आ जाता है, क्लॉज मतलब सेंटेंस का वो हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है। भाई रंगबाजी हो तो इन दो सेंटेंस की तरह देखो, ये पूरा मैदान खाली पड़ा है, मौज है दोनों की। 5000 रुपीज अ बिग अमाउंट, मैंने कहा था कि जब कभी आप मोबाइल या टीवी खरीदते हो तो HD स्क्रीन खरीदते हो आप, HDA हाइट डिस्टेंस और अमाउंट अगर फिक्स है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अ बिग अमाउंट यानी फिक्स है वर्ब सिंगुलर आएगी। द कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स स्पेस हाई, बताओ जरा बुक हाई है या कॉस्ट हाई है? जाहिर सी बात है इन किताबों की जो हाई है वो कॉस्ट हाई है ना कि बुक हाई है, तो कॉस्ट के हिसाब से इज का यूज किया जाएगा। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, कॉस्ट यहां पर कीमत जो होती है ये वो दिखाता है जो उसका मैन्युफैक्चरिंग रेट होता है, उसे कॉस्ट कहते हैं, ठीक है ना। इस किताब का जो लागत मूल है वो कॉस्ट है, और जो दुकानदार या हम उसे पे करते हैं वो उसका प्राइस होता है, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा। आज के लिए सफिशियंट है, मिलता हूं अगली क्लास में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी नॉलेजेबल जानकारी मिली होगी, अगर ऐसा है तो फिर लाइक बनता है, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद।